तिहार থেকে আসানসোল জেলে বদলির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল এবং চৌঠা মে তার জেল বদলির পরবর্তী শুনানি বলে জানা যাচ্ছে আর একবার জানাবো যে তিহার জেলে রয়েছে ইতিমধ্যে অনুব্রত মণ্ডল এবং সেখান থেকে তাকে বদলি করা হোক আসানসোল জেলে সেই আবেদন করেছিলেন দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালতে এবং পরবর্তী শুনানি জেল বদলির চৌঠা মে এমনটাই জানা গিয়েছে বিস্তারিত কথা বলবো ফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুর নীরজ কি জানকারি মিললো এই অবিতক देखिए चार तारीख को दो मुकदमों की एक साथ सुनवाई है एक तरह से एक तो जो वकील ने हिंट दिया है कि चार तारीख को इस मामले में चार्जशीट फाइल हो सकती है तो इसलिए तो मंडल कोर्ट में पेश होंगे और उसी दिन जो ट्रांसफर का मामला है उनको आसनसोल ट्रांसफर होने करना चाहते हैं उसको लेके भी सुनवाई होगी तो अगर चार्जशीट फाइल होती है तो जाहिर है चार्जशीट फाइल होने का मतलब है कि पूरी जाँच पूरी हो चुकी है और उसके बाद वो बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा और दूसरा जेल में अगर रह रहे हैं तो वो उस वही आसनसोल रहना चाहते हैं जिसका ईडी ने विरोध किया था लेकिन फिलहाल कोर्ट चार तारीख को उस पर फैसला देगा उस पर ऑर्डर आएगा चार तारीख को बहस इसमें हो चुकी है अब चार तारीख को उस पर ऑर्डर आना है जी शुक्रिया कथा बोलछिलाम प्रतिनिधि नीरज ठाकुर संगे चौठा में अनुब्रत बिरुद्धे चार्जशीट पेश करते ईडी एमनटा किन्तु जानिएछिलेन अनुब्रत मंडलेर आईनजीवी